हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस क्या होता है, बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या सभी पॉलिसी धारकों को बोनस मिलता है। फ्रेंड्स, बोनस का सीधा सा मतलब है जो पैसा आपको फिक्स्ड इनकम के अलावा मिलता है। जैसे कई कंपनियां अपने वर्कर्स को त्यौहार पर एक्स्ट्रा मनी बोनस के रूप में देती हैं। बिना बीमा पॉलिसीज के मामले में बोनस वह रकम है, वह अमाउंट है जो आपको सम एश्योर्ड के अलावा मैच्योरिटी के समय मिलता है। इससे पॉलिसी लेने वाले की मैच्योरिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। कई कई केसेस में बोनस सम एश्योर्ड का 2 से 3 गुना या उससे भी ज़्यादा होता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि बोनस क्या है। बीमा कंपनी प्रीमियम के रूप में आपसे जो पैसा लेती है उसे वह अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर निवेश करती है, जिससे उसे इनकम होती है। उस इनकम से बीमा कंपनी अपने खर्चों तथा आए हुए क्लेम्स जैसे डेथ क्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को निकालती है। बाकी बचे हुए पैसे को वर्ष के अंत में बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर्स यानी पॉलिसी धारकों के बीच में बांट देती है। फ्रेंड्स, सभी पॉलिसीज पर बोनस नहीं मिलता है। बोनस सिर्फ पार्टिसिपेटरी प्लान्स पर मिलता है और नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान पर नहीं मिलता है। क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान पर बोनस नहीं मिलता है, इसलिए इनका प्रीमियम भी कम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि विद प्रॉफिट पॉलिसी क्या होता है। कुछ पॉलिसीज में पॉलिसी धारक को गारंटेड एडिशन मिलता है, पर बोनस का मिलना पक्का नहीं होता। बोनस कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है, पर गारंटेड एडिशन श्योर होता है। ऐसी पॉलिसी को जिसमें गारंटेड एडिशन श्योर मिलता है विद प्रॉफिट पॉलिसी कहा जाता है। अब बात करते हैं बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है और यह ब्याज से कैसे अलग होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड इंटरेस्ट। बोनस सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि पर मिलता है, जबकि आपका इंटरेस्ट यानी आपका ब्याज उसके जमा किए गए पैसे पर मिलता है। बोनस 1000 की दर से कैलकुलेट किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट 100 रुपये की दर से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं। माना आपने 1,00,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है, यानी 1,00,000 रुपये का आपने बीमा लिया है और उस पर आपने प्रीमियम जमा किया है 4,000 रुपये और कंपनी उस पर साल के आखिरी में 45 रुपये बोनस लगाती है 1,000 रुपये की दर से। तो आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो 1,00,000 है, इसलिए आपका 1 साल का बोनस होगा 4,500 रुपये। मतलब आपकी पॉलिसी में इस साल 4,500 का बोनस जुड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ब्याज की, इंटरेस्ट की। इस केस में अगर बैंक ने आपको 4.5% ब्याज लगाया है तो आपकी किस्त जो आपने जमा की है 4,000 रुपये उस पर ब्याज मिलेगा। यानी 4,000 रुपये और 1 साल का 4.5% ब्याज के हिसाब से आपको मिलेगा 180 रुपये। यानी इस साल आपके जमा किए हैं 4,000 रुपये और आपको ब्याज मिलेगा जो 180 रुपये। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी तक ये बताया था कि बोनस जो आपका लगता है वो सम एश्योर्ड पर लगता है, और बल्कि जो इंटरेस्ट आपका लगा है जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है उसके ऊपर लगा है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।